श्रीमद् भगवत गीता सार अध्याय एक। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय एक का पूरा सार तथा शिक्षा पर चर्चा करेंगे। गीता के अध्याय एक को कम से कम शब्दों में तथा सरल भाषा में सुनेंगे। गीता एकमात्र ऐसा शास्त्र है जिसका गायन भगवान श्री कृष्ण के मुख से हुआ है। गीता हमारा एक प्रमुख ग्रंथ है। गीता हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। भगवत गीता में हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में मिल जाएगा। श्री कृष्ण को केवल अर्जुन के सारथी ही नहीं बल्कि हमारे जीवन के सारथी भी हैं। अर्जुन की जगह अपने आप को रखेंगे और श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानेंगे और श्री कृष्ण के कहे अनुसार चलेंगे तो हम और आप अपनी सारी परेशानियों पर काबू पा सकेंगे, उन्हें दूर कर सकेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय एक को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। भगवद गीता के अध्याय एक में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में अर्जुन अपने कर्तव्यों और धर्म में विचलित होकर भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। इस अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के सवाल से होती है। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से अंधे है, वह महाभारत के युद्ध की स्थिति के बारे में अपने सचिव संजय से पूछते हैं। संजय जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, जिनसे वह युद्ध के मैदान की हर स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र के सामने करते। जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं तब अपने भाइयों, गुरुजनों और अन्य परिवारजनों को देखकर विचलित हो जाते हैं। यह सब देखकर अर्जुन का मन करुणा से भर जाता है और वह अत्यंत दुखी हो जाते हैं। अर्जुन अपने कर्तव्य और धर्म को लेकर संदेह में पड़ जाते हैं। अर्जुन अपना गांडीव धनुष त्याग देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मुझे इस युद्ध के नकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। मुझे इस युद्ध में अपने सौजनों को मारकर कोई लाभ नहीं दिख रहा, क्योंकि जिनके लिए हम राजभोग और सुख चाहते हैं वे लोग युद्ध में अपने प्राण त्याग चुके होंगे। यह युद्ध केवल विनाश और पाप को बढ़ावा देगा। यही सब सोचकर अर्जुन युद्ध भूमि में युद्ध न करने का निश्चय करते हैं और अपना धनुष त्याग कर रथ में पीछे बैठ जाते हैं। इस अध्याय में अर्जुन का संकट यह दिखाता है कि जीवन में हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हमें धर्म और कर्तव्य के सही मार्ग को चुनना चाहिए। अर्जुन की मानसिक स्थिति यह दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन को बनाए रखना आवश्यक है। अर्जुन के संदेह इस बात का प्रतीक है कि हम अपने संदेह सही मार्गदर्शक और ध्यान ज्ञान से ही हल कर सकते हैं। अर्जुन के अपने परिजनों के प्रति दया भावना यह दिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानवता और दया को नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने की आवश्यकता होती है। अर्जुन का संकट और मार्गदर्शन यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और ज्ञान से हम अपने जीवन की हर समस्या पर समाधान पा सकते हैं। हमारे साथ गीता ज्ञान की खोज में जुड़े रहने